बसमिरा अल्लाम चैप्टर नंबर एट थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नाइन्थ क्लास फिजिक्स बहुत ही आसान एम सी क्यूज है इस चैप्टर के बच्चों आपने बड़े अच्छे तरीके से इनको ध्यान से गौर से समझना है देखें पहला एम सी क्यू कहता है वाटर जो है वो फ्रीज़ होता है किस टेम्परेचर पर तो बच्चों बे, बेसिकली वाटर तो फ्रीज होता है ज़ीरो आपको पता है अपना ज़ीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर ठीक है अच्छा अब जीरो डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर जो होता है वो फ्रीज़ होता है अब जीरो डिग्री सेल्सियस की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है ठीक है ये सॉरी ये जो बी ऑप्शन है इसमें फॉरन है अच्छा वो बाद में देखते हैं जीरो डिग्री के ऊपर वाटर फ्रीज होता है अब जीरो डिग्री वाली ऑप्शन तो मौजूद नहीं है जीरो डिग्री जीरो कैलवन तो नहीं होता ना ये ऑप्शन हो सकती है ना ये हो सकती है यार और जीरो डिग्री माइनस टू सेवेंटी थ्री कैलवन भी नहीं हो सकता अच्छा अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि डिग्री फॉरन हाइट में जब आंसर निकालना है तो वन पॉइंट एट सेंटीग्रेड प्लस थर्टी टू अब क्योंकि ये टेम्परेचर ज़ीरो है प्लस थर्टी टू तो आपका जो ओवरऑल आंसर आएगा वो थर्टी टू डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा तो इसका मतलब है जीरो डिग्री सेल्सियस जो होता है वो थर्टी टू फॉरन के बराबर होता है तो वाटर जो होगा जीरो डिग्री के ऊपर और थर्ट टू फॉरन के ऊपर फ्रीज हो जाता है बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था ये अच्छा उसके बाद द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस होता है बड़ा मशहूर एमसीक्यू है ये मर्करी इज यूज एज थर्मोमेट्रिक मटीरियल उसकी वजह यह है क्योंकि जो मर्करी होता है उसका नॉन यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है हाई फ्रीजिंग पॉइंट होता है स्मॉल हीट कैपेसिटी होती है ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है ये बुक की लाइन है इंफॉर्मेशन बेस्ड है लार्ज कौन सा ऐसा मटीरियल जिसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है वो वाटर होता है जिसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है ये याद रखिएगा वाटर ऐसा मटीरियल जिसकी ला सबसे ज्यादा हीट स्पेसिफिक हीट होती है इसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ़ द फॉलोइंग मटीरियल विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेमपेचर कॉपेशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एलोमिनियम बचो ये बुक में टेबल बना हुआ है आपने टेबल के लिहाज से इसको देख लेना है अच्छा वैसे मैं आपको जो कन्वर्जनस हैं थोड़ी सी फिर भी रिवाइज करवा देता हूँ पेपर से पहले तो आगे चले आपका फ़ायदा हो जाए जो जब भी हम टेम्परेचर जो कैलवन में निकालते हैं कैलवन में टेम्परेचर निकालना हो तो टू सेवेंटी थ्री में एड कर दें जो डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में टू सेवेंटी थ्री एड कर दें तो आंसर कैलवन में आता है इसी तरह डिग्री सेल्सियस में अगर हमने कोई चीज निकालनी है तो कैलवन वाले टेम्परेचर में से चुप करके टू सेवेंटी थ्री माइनस कर दें यानी कैलवन में कोई चीज़ दी है उसको टू सेवेंटी थ्री में से माइनस करो तो डिग्री में आंसर आ जाता है ये कन्वर्जन भी आपको आनी चाहिए एक वो मैंने ऊपर भी आपको बता दी डिग्री फारेनहाइट वाली ठीक है तो ये आपको दो तीन जो कन्वर्जनस है ये आपको लाजमी आनी चाहिए अच्छा उसके बाद ये जो लीनियर एक्सपेंशन वाली बात कर दी है ना अब उसने लीनियर टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अब ये लीनियर एक्सपेंशन का जो रिलेशन होता है वो एल इज इक्वल टू एल नोड वन प्लस एल्फा डेल्टा टी होता है डेल्टा टी यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर है एल नोड ओरिजिनल लेंथ है एल यहां पे जो लेंथ चेंज होकर आई है वो है ठीक है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसी तरह जो वॉल्यूम वाला एक्सपेंशन रिलेशन है वो वी इज इक्वल टू वी नोड वन प्लस बीटा डेल्टा टी होता है ठीक है और यहां पर याद रखिएगा जो बीटा और अल्फा होते हैं बीटा जो होता है ये वॉल्यूम वाला होता है अल्फा लेंथ वाला होता है तो बीटा जो होता है वो थ्री टाइम्स अल्फा के बराबर होता है ये कुछ कन्वर्जेंस हैं कुछ फार्मूलाज हैं ये आप लोगों को लाजमी आने चाहिए लाजमी आने चाहिए ठीक है और ये जो फार्मूलाज है ना ये वाले दोनों इनके प्रूफ भी अक्सर अकाल पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते होते हैं तो फिर आप जैसे वहां पे मुंह ठाके बैठे होते हैं यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था अच्छा इसके अलावा अब यहाँ पे क्योंकि ही स्पेसिफिक हीट की भी बात हुई है तो याद रखिएगा जो स्पेसिफिक हीट होती है चलो वो आपको ना इसके बाद बताता हूँ एंड पे जाके कुछ फार्मूला स्पेसिफिक हीट वगैरह के अच्छा अब देखें कहता है एक मटीरियल एक, एक है उसका बीटा क्या होगा जबकि अल्फा की वैल्यू टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव है तो देखें अल्फा की वैल्यू अगर टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव है तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका आंसर आ जाएगा सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर माइनस फाइव और पर कैलवन इसका यूनिट है याद रखिएगा अल्फा या बीटा जो इनके यूनिट है ना वो पर कैलवन होते हैं तो अल्फा ऑप्शन आपका आंसर है अ लार्ज रेजर वायर की टेम्परेचर ऑफ नियर बॉडी लैंड मॉडरेट ड्यू टू क्योंकि वाटर की जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये हीट uh, को अब्जॉर्ब करता रहता है उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वेपोरेशन भाई ये सारी वेपोरेशन के इफेक्ट है डेल्टा आंसर है ऑल ऑफ दीज अच्छा ये तो वो बातें हो गई जो कि एम के हवाले से आपकी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दी हुई हैं अच्छा अब मैं आपको कुछ uh, इसी चैप्टर के फार्मूलाज बताता हूं इनको ज़रा आप लोगों ने ध्यान से गौर से सुन लेना है पहला तो एक आप वो पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी में जो हीट है ठीक है जी उसका मैस के साथ डायरेक्ट चक्कर होगा ठीक है यानी हीट एब्जॉर्ब होगी या जो रिलीज़ होगी वो उतनी ज़्यादा होगी जितना बॉडी का मैस ज़्यादा होगा और दूसरा इसी हीट का टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन होता है तो जब हम इन दोनों हीट्स को आपस में मिलाते हैं तो एम साथ में आ गया डेल्टा टी डेल्टा टी यानी वही टेम्परेचर चेंज है ये ठीक है अच्छा अब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम खत्म करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू आ जाता है एम डेल्टा टी और साथ में ये प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आता है सी इस C को अब हम निकालना चाहें तो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय M डेल्टा T बनता है तो ये वो फार्मूला है बच्चों इस C C को ये जो आपके पास आया है इस C को जो प्रोपोर्शनलिटी तो कॉन्समेंट है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट क्या बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक हीट और ये डिपेंड करती, करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर इसके ऊपर डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस के ऊपर ये डिपेंड करती है तो ये आप लोगों को स्पेसिफिक हीट के बारे में बात पता होनी चाहिए ठीक है अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो आप देखें इसका जो यूनिट है वो हीट का यूनिट जाऊल होता है ठीक है मैस का यूनिट किलोग्राम होगा टेम्परेचर का कैलवन होगा तो इसका जो यूनिट बन जाएगा वो जाउल पर किलोग्राम पर कैलवन बन जाएगा तो जाऊल पर के पर कैलवन स्पेसिफिक हीट का यूनिट होता है ठीक है ये आप लोगों को पता होना चाहिए इसी तरह जो हीट कैपेसिटी होती है अब एक है हीट कैपेसिटी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है हीट कैपेसिटी जो होती है ये याद रखिएगा ये बराबर होती है जितनी भी हीट ठीक है कोई भी बॉडी हीट को एब्सॉर्ब करती है या रिलीज करती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तो ये उस हीट पर यूनिट टेम्परेचर को बोलते हैं अब डेल्टा क्यू का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है डेल्टा क्यू यहां से देखें हमने पढ़ा था एम सी डेल्टा टी तो अगर मैं एम सी डेल्टा टी पुट कर दूं तो डेल्टा टी डेल्टा टी से कट गया तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला बन गया एम इंटू सी हम ये भी कहते हैं कि किसी भी बॉडी के मैस को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमें हीट कैपेसिटी मिलती है तो हीट कैपेसिटी का देसी फार्मूला भी आप जहन में रखें ठीक है और ये आपकी बुक में उसने एग्जांपल भी दी हुई है कि अगर पाँच किलोग्राम पानी है तो उसकी हीट कैपेसिटी कैसे निकलेगी तो पाँच को मल्टीप्लाई करवा दें फोर्टी टू पर के पर कैलवन से याद रखेगा वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो कितनी होती है एक सबसे ज्यादा होती है और उसकी जो वैल्यू होती है वो फोर्टी टू हंड्रेड जाउल पर के जी पर कैलवन होती है ये आपको पता होना चाहिए ये वाली वैल्यू भी जुबानी वाटर के लिए अच्छा इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास एक आती है टर्म हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है वो क्या होती है हीट ऑफ फ्यूजन के दौरान जितनी भी हीट फ्यूज होती है पर यूनिट मैस हम और यहाँ से हम हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे भी निकालते हैं डेल्टा क्यू एफ इज इक्वल टू एच एफ इन टू एम ठीक है ये इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये जो एच होता है इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं क्या बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं और आइस के लिए और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है बच्चों ये याद रखिएगा ये एम सी क्यूज है आइस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो थ्री थ्री सिक्स ट्रिपल जीरो जऊल पर किलोग्राम होती है अच्छा ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखें इसका जो यूनिट आएगा ये हीट का यूनिट जउल होता है मैस का किलोग्राम होता है तो जो, जो इसका यूनिट आता है वो जऊल पर किलोग्राम आता है ये याद रखिएगा तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो यूनिट होता है ये जाऊल पर किलोग्राम होता है इसी तरह हीट कैपेसिटी का भी यूनिट जो होगा वो जऊल पर किलोग्राम होगा वो कैसे देखो एम का यूनिट होता है किलोग्राम सी का यूनिट क्या होता है जाऊल पर किलोग्राम पर केल्विन तो देखो किलोग्राम किलोग्राम से कट गया तो इसका भी यूनिट क्या बच गया जउल पर जाऊल पर कैलवन क्योंकि किलोग्राम किलोग्राम से कटा सॉरी इसका यूनिट बन जाएगा जाउल पर कैलवन तो याद रखिएगा ये जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है इसका यूनिट होता है जाऊल पर कैलवन ठीक है तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए हीट कैपेसिटी का यूनिट जाउल पर कैलवन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या होगा जाउल पर के जी अच्छा जबकि हीट स्पेसिफिक स्पे -स्पे -स्पे हीट का क्या होगा जाउल पर के जी पर कैलवन ठीक है इसके बाद बच्चों लेट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद लेटेंड हीट ऑफ वेपराइजेशन का भी टॉपिक आपकी बुक में है अच्छा अब जो लेटेंड हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है लेटेंड हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होती है वो भी बिल्कुल हीट ऑफ फ्यूजन की तरह ही होती है यहाँ पे हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई मैस आता है ठीक हो गया और इसका भी जो एस आई यूनिट है वो जारी बात है ये ऊपर जवल है नीचे किलोग्राम है तो इसका भी एस आई यूनिट जो होगा वो जऊल पर के जी ही होगा और याद रखेगा लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर वाटर के लिए जो इसकी वैल्यू होती है वो टू टू सिक्स चार जीरो आगे आते हैं ठीक है और जौल पर के जी इसका यूनिट है तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम यह भी कह सकते हैं यार रेज टू पावर ठीक है जौल पर के जी तो ये भी हम इसको बना सकते हैं तो यह वाटर के लिए आप लोगों ने याद रखनी है कि इसकी जो वैल्यू है वाटर के लिए तो ये कुछ बातें थी बच्चों जो कि इसमें से आपको पता होनी चाहिए थी और बाकी मेल्टिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट ये वो और बुक में टेबल बना हुआ point, है डिफरेंट मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉयलिंग पॉइंट्स वगैरह लिखे हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेने हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई ये सारी बातें समझ आ गई होंगी बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़